हम देखते हैं गोकू एप्सिलॉन गोकू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। गोकू कहता आखिर ये कहाँ जा सकता है। तभी गोकू को याद आता है कि उसने कहा था कि वो इस मल्टीवर्स पे रूल करता है। वो समझ जाता है कि वो उसे कहाँ मिलेगा, और ये कहने के बाद गोकू अपनी यूनिवर्स और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी पावर को सेंस करता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वो यहाँ पर नहीं है। और तभी गोकू को उसकी पावर महसूस हो जाती है और वो सीधा उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे वो उसे अपने सामने देखता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है क्या ये तो नामुमकिन है। तभी एप्सिलॉन गोकू की नज़र गोकू पे पड़ती है और वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गोकू कहता है तुम वो सुपर सैंड्रोन के साथ क्या कर रहे थे। एप्सिलॉन गोकू कहता है वो मेरा पेट है, जब मैं बोर होता हूँ तो उसके साथ खेलने लग जाता हूँ, तुम उसे मेरा खिलौना समझ सकते हो। गोकू कहता है ये तो काफ़ी लाजवाब है, कोई सोच भी नहीं सकता कि सुपर सैंड्रोन को कोई अपना खिलौना बनाएगा, ये काफ़ी कूल है। इस बारे में तो मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं आया था, मुझे भी अपना एक पेट बनाना चाहिए जो बहुत ही पावरफुल हो, और मुझे नहीं लगता सुपर सैंड्रोन से ज़्यादा कोई पावरफुल होगा, क्या तुम मुझे अपना वो पेट दे सकते हो। एप्सिलॉन गोकू कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम खुद को संभाल नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि तुम उसे संभाल पाओगे। गोकू कहता है इसके लिए तुम हो ना, तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे तो चलो शुरू करते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है मैंने तुमसे ये कितनी बार कहा है, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। गोकू कहता है मान भी जाओ, देखो मैं अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में तुमसे लड़ने आया हूँ। एप्सिलॉन गोकू कहता है तो ऐसी बात है तो चलो मुझ पर अपना हमला करो। गोकू कहता है क्या तुम तैयार हो। एप्सिलॉन गोकू कहता है देर मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। गोकू कहता है फिर ठीक है। ये कहने के बाद वो एप्सिलॉन गोकू पर हमला करता है और अपने दोनों हाथों से एक जोरदार पंच करता है, जिससे एप्सिलॉन गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था। एप्सिलॉन गोकू खड़ा होता है और कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफ़ी ताकतवर हो, तो मैं भी अपनी थोड़ी बहुत ताकत इस्तेमाल करता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होता है और गोकू पे हमला करता है, लेकिन गोकू को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है अगर मुझसे लड़ना है तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा बेस फॉर्म मेरे बेस फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर था, तो तुम अपनी पावर को होल्ड कर रहे हो। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम समझदार हो। ये कहने के बाद वो अपने सुपर सैन फोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसे अभी भी अच्छी टक्कर देता है और उसके सारे हमले को ईजिली टॉच करके उस पर अपना हमला करता है, जिससे एप्सिलॉन गोकू फिर से एक बार बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे कमजोर निकले। इस पर एप्सिलॉन गोकू मुस्कुराता है और अपनी सुपर सैन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू उसको ऐसा करता देख कहता है क्या इसका मतलब ये मेरी पावर को जांच रहा है बिल्कुल मेरी तरह। और हम देखते हैं गोकू को एप्सिलॉन गोकू के हमले को रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, पर वो उसे उस फॉर्म में भी हरा देता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी पावर को जांच ली है और अब वक्त है असली फाइट लड़ने का। ये कहने के बाद वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस बार उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो गोकू पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगा था। गोकू कहता है ये नहीं हो सकता, तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। एप्सिलॉन गोकू कहता है क्योंकि ये मेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इसमें मेरी पावर इन्फिनाइट लेवल पे पहुंच जाती है, पर तुम फिर भी मुझे अच्छी खासी टक्कर दे रहे हो, क्या बात है। मैं बहुत लंबे समय बाद तुम जैसे पावरफुल वॉरियर से फाइट कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं बेकार में ही तुम्हें मना कर रहा था। ये कहने के बाद एप्सिलॉन गोकू उस पर हमला कर देता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है, वो एक दूसरे पर बहुत सारे हमले करते हैं। गोकू कहता है ऐसे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, क्यों ना तुम मेरी बनाई हुई दुनिया में लड़ो। ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया बना लेता है और हम देखते हैं उसमें गोकू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एप्सिलॉन गोकू पे काफ़ी भारी पड़ने लगता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम्हारी ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है लेकिन मेरे खिलाफ बेकार। तभी गोकू कहता है फिर इसका सामना करो। ये कहने के बाद उस पर मिजोरी स्मैश कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हमले से एप्सिलॉन गोकू को थोड़ी बहुत खरोचे आ जाती है। एप्सिलॉन गोकू कहता है बस बहुत हो गया। जैसे वो ये कहता है अचानक से वो देखता है कि उसे चारों तरफ से गोकू ने घेर लिया है और वो हजारों की तादाद में है। एप्सिलॉन गोकू कहता है अब ये कैसी ट्रिक है, और वो सारे के सारे गोकू एप्सिलॉन गोकू पर एक साथ टूट पड़ते हैं और वो अपना ड्रैगन पंच उस पर कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से एप्सिलॉन गोकू काफ़ी घायल हो जाता है। गोकू ये देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है मैंने तो उसे हरा दिया। तभी उसकी नज़र एप्सिलॉन गोकू पे पड़ती है जो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है
गोकू कहता है ये गुस्से में क्यों है, क्या ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो जैसे ये कहता है एप्सिलॉन गोकू के पास से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, इतनी ज्यादा कि वो पूरे छलावे की दुनिया ही कांप रही होती है। और हम देखते हैं एप्सिलॉन गोकू अपनी अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू ये देखकर बिल्कुल शॉक में रह जाता है और कहता है ये कैसी पावर है, आज तक मैंने ऐसी पावर नहीं देखी। और तभी वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है। एप्सिलॉन गोकू ने उस पर अपना हमला कर दिया था और वो इतना तेज हो गया था कि गोकू अपने यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होने के बाद भी उसे नहीं देख पाया था। और जैसे वो खड़ा होता है वो देखता है कि उसके सारे क्लोन भी खत्म हो चुके हैं। एप्सिलॉन गोकू ने उन्हें झटकों में खत्म कर दिया होता है। इसके बाद एप्सिलॉन गोकू गोकू की तरफ बढ़ता है और कहता है अगर तुम में अभी भी ताकत है तो उसे बढ़ा लो वरना तुम मर सकते हो। गोकू कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तभी एप्सिलॉन गोकू अपने हाथों में एक की एनर्जी रिलीज करता है और उसे जमीन की तरफ मारता है, जिससे गोकू की छलावे की दुनिया उसी वक्त खत्म हो जाती है और उस वजह से गोकू भी घायल हो जाता है। पर एप्सिलॉन गोकू को एक खरोंच तक नहीं आती। गोकू कहता है ये कैसे हुआ। एप्सिलॉन गोकू कहता है अब तुम्हें यकीन आ गया है, अगली बार जब इस दुनिया को बनाना तो अपनी और ताकत का इस्तेमाल करना और इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो तुम अब भी अपनी ताकत को बढ़ाओगे या फिर मैं तुम पर अपना हमला करूं। गोकू कहता है ये सही कह रहा है, मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एप्सिलॉन गोकू ये देखकर कहता है ये थोड़ा दमदार लगता है। ये कहने के बाद वो सीधा उस पर हमला करता है। गोकू भी उस पर हमला करता है और उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू की पावर अब एप्सिलॉन गोकू से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से एप्सिलॉन गोकू उसे नहीं हरा पा रहा था। उनकी फाइट बहुत ज्यादा भयानक हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन गोकू उस पर थोड़ा भारी पड़ रहा था। पर जैसे गोकू उस फॉर्म की ताकत को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, वो एप्सिलॉन गोकू पर उतना ही भारी पड़ने लगता है। एप्सिलॉन गोकू कहता है ये तो कमाल हो गया, ये सच में काफी ताकतवर निकला, इसलिए मैं फालतू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा और ना ही अपने पावर को होल्ड करूंगा। ये कहने के बाद वो ट्रू गॉड अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा चमकने लग जाता है और वो गोकू के हमले को फिर से एक ही फिंगर में रोक लेता है। गोकू ये देखकर कहता है अब इसे क्या हुआ। और तभी वो गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है क्या मैं फिर से एक ही पंच में बेस फॉर्म में आ गया, पिछली बार भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था, मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ। एप्सिलॉन गोकू कहता है क्योंकि तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने लगे हो, तुम इस फॉर्म में मेरा सामना नहीं कर सकते, भले ही तुम कोई से भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों ना हो जाओ। और अगर बाय चांस तुमने मुझे इस फॉर्म में हरा भी दिया, जो कि नामुमकिन है, तो मेरे पास एक और ट्रांसफॉर्मेशन बची है। गोकू कहता है क्या तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मुझे अपना वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओगे। एप्सिलॉन गोकू कहता है पहले तुम उस लायक हो जाओ। गोकू कहता है फिर मुझे इसके लिए तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो चलो इसे शुरू करते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है फिर इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और गोकू से कहता है तुम्हें अपनी बेस फॉर्म की ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी, तुम्हारा शरीर बहुत ही कमजोर है, तो चलो इसे मजबूत बनाते हैं। गोकू कहता है तो चलो मैं अपनी छलावे की दुनिया बनाता हूँ। एप्सिलॉन गोकू कहता है नहीं, तुम्हें अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, इसलिए तुम मेरे डायमेंशन में ट्रेनिंग करोगे। ये कहने के बाद वो गोकू को अपनी जगह ले जाता है, जहाँ एप्सिलॉन गोकू खुद ट्रेनिंग करता था। गोकू जैसे उस जगह पे पहुँचता है वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो कहता है ये कैसी जगह है। एप्सिलॉन गोकू कहता है बकवास कम करो और अपनी ताकत को जितना बढ़ा सकते हो यहाँ बढ़ाओ। गोकू कहता है क्या तुम इसमें मेरा साथ नहीं दोगे। एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे, पहले यहाँ खड़ा होना सीखो, उसके बाद मेरे साथ ट्रेनिंग करना। गोकू कहता है ये क्या बात हुई। ये कहने के बाद वो अपने सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एप्सिलॉन गोकू इसे एक पंच करता है और कहता है ये गलती मत करना, इसलिए तुम इतने कमजोर और बेवकूफ कहीं के। गोकू कहता है क्या मैं कुछ समझा नहीं। इस पर एप्सिलॉन गोकू और गुस्सा हो जाता है और वो गोकू के सर पर एक पंच करता है और कहता है तुम्हारी इस खोपड़ी में मेरी बात क्यों नहीं घुस रही है, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो, सवाल जवाब बंद करो वरना मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। गोकू कहता है जी मास्टर मैं आपकी बात समझ गया, अब मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पे फटाफट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और कहता है ये काफी हार्ड है, शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, मुझे भी और ताकतवर बनना होगा। एप्सिलॉन गोकू वहीं बैठकर उस पर ध्यान देता है और गोकू की गलती पे उसे पीट देता है। गोकू कहता है ये तो बहुत खतरनाक टीचर है, मैं ये कहाँ फंस गया, पर शायद वो मेरे अच्छे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे इन सब बातों को छोड़ के ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए।
ये कहने के बाद गोकू मन लगा के वहाँ पे ट्रेनिंग करने लगता है और काफी समय बीत जाते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहते हैं, बस बहुत हो गया, तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो, तो अब वक्त है असली ट्रेनिंग करने का, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ। गोकू कहता है, मैं इसी का तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है, इसी बहाने मुझे तुम्हारी असली ताकत पता चलेगी और मैं ये देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ, तो वक्त है असली ट्रेनिंग करने का, तो चलो इसे शुरू करते हैं।